रोमांस जाग रहा है। मम्मी के कमरे हिरन लगा है, पापा देखने लगे हैं। मुझे सबसे ज्यादा पसंद इस कमरे का डिजाइन आया है, ये देखो छत पे, ये भी बहुत सही है। ग्रीश भट्ट एंड फैमिली व्लॉग्स। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नए वीडियो नए ब्लॉग में। तो रात की शुरुआत हो चुकी है, दिन तो पूरा निकल गया है, शाम के हो गए हैं 5:30 और घर में खिलारा पड़ा हुआ है, काम काज चल रहा है और ब्लॉग बनाने का दिल भी नहीं था और काम को में लगे हुए थे तो ब्लॉग बनाने का। सबसे ज्यादा उदास घर में कोई है तो वो नोबिता है, क्योंकि इसको ना कभी उठना पड़ रहा है, कभी जाना पड़ रहा है ना। अभी पापा के पास बैठा था, ये बहुत आफत आई हुई है। काम काज वाले भी ना बहुत खज्जल करते हैं, सुबह से इतना वेट कर रहे थे, आ ही नहीं रहे थे। सबके घर, हमारे पूरे घर वालों का मूड खराब हो गया, कॉल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगह पे काम पकड़ा होता है। मगर उनको सच बता देना, मैंने पहले भी बताया आपको, उनको सच बता देना चाहिए कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे इतना टाइम लगेगा, आधे घंटे में आ गए, 15 मिनट में आ गए, ऐसा बोलते हैं और फिर उसके बाद पूरा पूरा दिन निकाल देते हैं। और अभी एक कमरा प्रॉपर, एक कमरा भी नहीं हुआ है, अभी दूसरे कमरे में लगे हुए हैं, उसकी एक शीट रह गई थी, तो लेट्स सी क्या बनता है। दाढ़ी मेरी बहुत बड़ी हो गई है, सोच रहा हूँ आखिरी नवरात्रि वाले दिन कटवाऊंगा। बात और, व्रत में ना मेरा वजन बहुत कम हो गया है, ये मैंने वजन के लिए तो नहीं सोचा था, मगर मेरा वजन बहुत कम हो गया। देखो बॉडी मेरी पूरी मतलब कि लीन हो गई है, और क्या ही बताऊँगा आपको, कम से कम मेरा 4 से 4.5 किलो वजन कम हो गया है, क्योंकि ऐसा मेरे को फील हो रहा था कमज़ोर, और चेक किया तो उतना ही निकला। और बीपी चेक किया, बीपी मेरा आया 47 से 50 नीचे वाला, ऊपर वाला 100, बीपी भी बहुत कम है। तो अभी पानी से गुजारा हो रहा है थोड़ा थोड़ा। हम 7वें और 8वें व्रत में आइए, आज 6वां व्रत है, और 7वें में हम थोड़ा लिक्विड डाइट शुरू करेंगे और 8वें में हम फ्रूट शुरू करेंगे, ताकि मैं 9वें में जो है प्रसाद वो खा सकूं, है ना, कि हमारी बॉडी उस लायक बन पाए। नहीं तो इतने टाइम से बॉडी सूख रही है, तो एकदम से अगर मैं प्रसाद मुंह पे खाऊंगा तो मेरे को वॉमिटिंग आ जाएगी, मैं बीमार हो सकता हूं, तो इसलिए इस तरह हमें करना होगा। और लिक्विड डाइट में व्रत तो चल ही रहा है, माता जी का नाम लिया ही जा रहा है, जय माता दी, बाकी माता जी ने मेरे को चुना है। और जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मम्मी भी बोल रही है कि माता जी ने ही तेरे को आशीर्वाद दिया और तेरे दिमाग में ये बात डाली और तू कर पा रहा है, तो ठीक है जी, चलते हैं नीचे, आपको दिखाते हैं थोड़ा बहुत। कब नीचे चले गए देखना, नोबिता क्या करेगा। ये देखिए दोस्तों, कल जिस कमरे में सोए थे वो वाला कमरा बिल्कुल हो गया है, ये देखो पूरी फिनिशिंग बहुत ज्यादा अच्छी हुई है, ये डिजाइन। अब ये देखिए बाहर से, आप बताइए आपको कैसा लग रहा है, ये वाला कमरा तो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है अभी फिलहाल। तो पापा देखने लगे हैं, अंदर जाके देखो, अंदर जाके पता लगता था, बीच में खड़े होके पीछे को भी देखिए, बड़ी लग रहा है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, आज हमारे पापा जी भी खा रहे हैं डोनेट, कैसा लगा आपको? वैसे बहुत ज्यादा वैसे पापा बहुत ज्यादा परहेज करते हैं, ऐसा नहीं है कि शुगर के चक्कर में, बहुत परहेज करते हैं, मेरे को लगता है मुश्किल से आज ही ये कुछ मीठा खा रहे हैं, तो बहुत परहेज कर रहे हैं आज, अब तो ये पूरे समझदार हो गए हमारे पापा जी। अरे हाय, मम्मी आप और खाओगे, और खाओगे डोनट? खा लूंगी, ये प्रभु के चावल बचे पड़े हैं, उधर मम्मी अब बनाने लगे हैं मैगी खुद के लिए, मैं बना दूं आपके लिए? नहीं नहीं, ये तो सब्जी, ये खिचड़ी, मैं बनाता हूं मैगी आपके लिए। ये तो खा करके ज्यादा ही बन गई यार। अच्छा दाल है ये प्रभु की बनाई हुई दाल है जो कि अब मुझे खिचड़ी लग रही है। सही है दोस्त, वो वाला कमरा तो देखो यहाँ से, हाय 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 हाय,
क्या बात है, क्या बात। अभी पूरी जगह भी हो जाएगी कल तक, होप सो हो जाए, पर जैसे लगे हुए हैं पता नहीं अभी टाइम लगेगा। ओके ठंड की वजह से जमी हुई थी ये बहरूपिया दाल है, फ्रोजन दाल। मैं बता रहा हूँ ना, घर वाले आजकल फ्रोजन फूड खा रहे हैं। पापा एक रोटी चूर के बीच में सारी दाल खा लो, तुम सारी दाल। पापा अच्छी लगेगी, खा लो मेरे हिस्से की, खा लो। रोटी नहीं खानी यार, खा लो मेरे हिस्से की, भूख नहीं, खा लो मेरे हिस्से की, भूख तो लग जाएगी। चलो फिर व्रत कर लो आप भी पानी वाला, आप भी व्रत कर लो फिर पानी वाला। दोस्तों छठा व्रत भी पूरा हो गया और माता रानी की कृपा यूं ही बनी रहे। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। सिर्फ 3 दिन रह गए, 9वें दिन उद्यापन होगा, कंच के बिठाएंगे। गजानन छोटे हैं गोदी में उठा लो मेरी माँ, गजानन छोटे हैं प्यारा पहाड़ों की चढ़ाई है भवानी माँ, भवन प्यारा पहाड़ों की चढ़ाई है। तेरे भक्त चले आए माथे का टीका लाए, तेरे भक्त चले आए माथे का टीका लाए, इसे स्वीकार करो माता, बड़ी दूरों से आए हैं भवानी माँ, भवन प्यारा पहाड़ों की चढ़ाई है। तो माता पिता तुम्हें वो तुम्हें वो। यहाँ पे लग गई है प्रभ अपना काम काज करने। पहले आप सभी ने को पहले भी दिखाया ऐसे रोटियां पहले बना देती है मम्मी, है देखा आपने। कब तरह बनाएगी, ऐसी बनाएगी ये तो, अब मेरे को ऐसी खिलाएगी है ना। नहीं एक पहले ऐसे बना के, ओ गैस भी तो बचाती है, फिर सीधा सीधा डालती है, फिर सेकती है। मेरा भी यही स्टाइल है। क्या कह रहे हैं, कहते कोई बात नहीं कल में मेरे को यही खिला देना। पापा अब घर में काम चल रहा है, क्या करें, बाहर से लाके खिला दूं कुछ नहीं नहीं है, अब वही दाल वही खाना पड़ेगा सब कुछ, रिपीट पे खाना पड़ेगा चीजों को। और यहाँ ये देखो, ए होए आज तो रोमांस जाग रहा है। मम्मी के कमरे हिरन लगा है, तो ये देखो मम्मी के कमरे में हिरन लगने लगा। वाओ ये अच्छा डिजाइन है ना, क्या पापा कहते बस ज्यादा मत कर है क्या। अच्छा अब करंट मुक गया है पापा। इधर मम्मी के लिए बन रही है मैगी, और दोस्तों मैगी कहते थे ना 2 मिनट में बन जाती होती है, मतलब सच में बन भी जाती है। उसका सही तरीका ये होगा अगर आपने पानी पूरा उबाल रखा है, ये देखो ऐसे एग्जैक्ट उबाल के अगर आपने मसाला डाल के ये डाल दिया एग्जैक्ट गिन लेना, 2 मिनट में बन जाएगी। मगर हम क्या करते हैं ठंडे पानी में इसको डाल देते हैं, मसाले डाल देते हैं, फिर देखते रहते हैं मैगी तो 2 मिनट में बनी नहीं, 10 मिनट हो गए। ये एक गलती होती है, बाकी ये सेहतमंद बिल्कुल नहीं होती, अच्छी बिल्कुल नहीं होती। कभी कभी वंस टाइम महीने में खा लेना इट्स ओके, क्योंकि टेस्ट के लिए अगर टेस्ट करना जिंदगी में आया तो वो कर सकते हैं, मगर वैसे तो अनहेल्दी है। इधर मम्मी के लिए बन रही है मैगी, इधर पर बना रही है अपने लिए चावल फ्राइड राइस। वाओ दोनों कितना अच्छा अच्छा खाना है। जय माता दी, रसोई में भी हमारी माता है, वो देखो देख रहे हैं हम। हाँ मौसम आ गया मूंगफली वाला, टंटना ये देखिए मेरे हाथ की बनी मैगी, एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे, गैस 20%। अच्छा चाय बनानी है अब रात को 7:30 बजे बन रही है चाय। पहाड़ियों के घर में ना आपको हर एक चीज का अलग ही वर्जन मिलेगा। ये देखिए रोटी के साथ मैगी खाई जा रही है, जैसे कि घर में दाल नहीं है सब्जी नहीं है, मगर मैगी के साथ मैगी। ये देखो चेक देखो ऐसा होता है,
पहाड़ी कुछ भी कर सकते हैं, केले के साथ रोटी खा सकते हैं, गुलाब जामुन रख के रोटी खा सकते हैं, आम के साथ रोटी, आम के साथ मेरी नानी बहुत रोटी खाती है, चाय के साथ, केले के साथ मैं भी बहुत खाता हूँ। जब मंगलवार का व्रत लगता था रात को मीठा खाना होता था, मीठी रोटी तो नहीं होती थी, तो मैं केला रख के मीठी रोटी बना लेता था। फेयर चल रहा था तब ये बताते होते थे क्या, मैंने केले के साथ रोटी खा ली, आज मेरा व्रत था। मंगलवार के रखता था, उस समय भी मैं पानी का ही रखता था, उस समय भी मेरा व्रत पानी का ही होता था। देखिए ये कालीन बिछा के तो और भी अच्छा लग रहा है, नॉर्मल था है ना। तो अभी हम इस पे गद्दे बिछाने लगे हैं, गद्दे चादर बिछा ही रहे हैं, इसको बैठने की पड़ी है, बैठने की उसको सूंघने की पड़ी है, क्या हो रहा है। अच्छा बहुत लग रहा है प्रभु ऐसे। दोस्तों आप भी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको डिजाइन कैसे लग रहे हैं। ओ वाइब तेरी मेरी मिल दिया, वाइब तेरी मेरी मिल दिया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, है? बहुत अच्छा। मेरे को तो ऐसे गद्दे बिछा के रहना बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे LED और हम चलाए फिल्म, जरूरी तो ना पड़े थिएटर में जाके फिल्म देखने की, है ना। कैसा लग रहा है मम्मी? लाइट अभी यहाँ पे छोटी वाली है, वो दूसरी लाइट उधर शिफ्ट कर दी गई है ना। अच्छा हाँ लग रहा है, नीचे बढ़िया है ना, ऊपर एसी लगा हुआ है बस। और क्या, वैसे ही खज्जलों में पड़े हैं सियापों में। बेड बुड के सियापों में पड़े हैं। हेलो मित्री, मुझे सबसे ज्यादा पसंद इस कमरे का डिजाइन आया है, ये देखिए, और ये देखो छत पे, ये भी बहुत सुपर है। ये तकरीबन लग गया, थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग का काम ये कल करेंगे अब, और बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। आप भी कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको कैसा लग रहा है ये सारा कुछ। देखिए कमरे का भी काम हो गया है, ये दीवार रह गई है क्योंकि ये कल ये प्रिंट लाने ही भूल गए साथ में, थोड़ा बहुत रह गया है काम, तो इस साइड का है। ओ हो ये भी क्या हो गया, पापा की जगह पे सो रहा है, पापा ऐसे बेचारे सिकुड़ के सो रहे हैं। नोबिता तो हमारे साथ ही सोता है भाई, कभी पापा के ऊपर सो जाता है, कभी नोबिता के हिसाब से अपना बिस्तर एडजस्ट करना पड़ता है अपनी जगह। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो ये ब्लॉग यहीं तक का था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी, ऐसी स्ट्रेंथ बनी रहे, और नौवें दिन का इंतजार है, बाय बाय, जय हिंद।